मैनेजमेंट से मैनेजर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इकोवर्ल्ड डिजिटल क्लासेस और इस समय टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो की चैप्टर नंबर 2 है। चलो शुरुआत करते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स लगाने से मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा मिल सकता है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो इनसाइट का मतलब होता है आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, आपको दूरदर्शिता, यू नो यू कैन यू हैव फार साइटेडनेस, आप दूर की चीज पहले देख लेते हो। अब ये सब बड़ा किताबी ज्ञान लगता है, बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन सोचो जहां पर तुमको ऐसे ग्रुप से काम करवाना है जो काम नहीं करना चाहता, तो उस समय पर तुमको भी नहीं पता कि क्या करना है, क्या करने की जरूरत है, तुम्हें भी आइडिया नहीं है। इन प्रिंसिपल्स की मदद से तुम्हें उस सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, रिसर्च की वजह से ये पता चल जाएगा कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो आइडिया मिल जाएगा। तो ये आपको रियलिटी, जो आपकी पिक्चर है, जो आपकी सिचुएशन है, उसमें आपको थोड़े इनसाइट्स, थोड़ी चीजें समझा देते हैं। इनकी वजह से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। और क्या होता है, आपने अगर एक बार ये प्रिंसिपल लगा के देखा तो पता चल जाएगा कि आपका नतीजा जो आपके साथ हुआ वो भी वैसा ही था जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था कि होगा, या फिर उसे ठीक उल्टा हुआ। तो अगले बार के लिए आप अपनी पिछली मिस्टेक से, पास्ट मिस्टेक से सीख पाएंगे। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको एक इनसाइट, आपको रियलिटी कैसी हो सकती है इसकी तरफ गाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्सेस अ मैनेजर, जिसको कुछ भी नहीं पता बेचारे को, उसको बिठा दिया तुमने। देखो हर कोई जन्म से तो मैनेजर होता नहीं, एमबीए करके आते हैं मैनेजर बन जाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलती है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, प्रमोशन होने लगता है, तो मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मैनेजर की कुर्सी पे बिठा दिया और तुम्हें लोग हर तरीके की सिचुएशन मैनेज करनी आती है, नहीं ऐसा नहीं। तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और एक्सपीरियंस में तुम एक समझ लो, तुम्हारा एक साथी, तुम्हारा एक एड क्या है, ये प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को आप देखिए, अच्छा ऐसा बोला था, मान लो तुम्हारा कोई जूनियर है जो बहुत बकबक बकबक बक करता है, बहुत ज्यादा बोलता है और हर चीज बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है। तो तुम्हारी आदत है कि तुम उसके हर बार कहते हैं प्लीज तुम चुप हो जा, तेरे यूजलेस आइडियाज है, बिल्कुल काम नहीं करते, चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन फिर तुम्हें किसी ने बोला यार एक प्रिंसिपल है इनिशिएटिव का, जो कहता है कि जो अच्छे आइडियाज दे रहा है इंसान उसको एनकरेज करो, उसको डिस्करेज मत करो, क्योंकि वो अच्छे आइडिया दे रहा है, उसके कई आइडियाज में से कई वाकई बहुत ब्रिलियंट हो सकते हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करो। जो तुम्हें लगता है कि ढंग के नहीं है उन्हें साइड कर दो। तो तुम सोचोगे कि अच्छा यार मैंने आज तक इसको सिर्फ ऐसे ही बोला, तभी शायद ये डिमोटिवेट हो गया और नौकरी छोड़ के जाना चाहता है। अब तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए कि यार जो तो अच्छे आइडियाज देगा ना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो तेरे अच्छे नहीं होंगे ना हम तुझे ओपनली बोल देंगे कि ये जम नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम सेटल हो गई, काफी हद तक सेटल हो जाएगी। इस तरीके से प्रिंसिपल्स आपको रियलिटी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि मशीनें, टेबल, चेयर, लैपटॉप्स, इंटरनेट, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, पैसा लगता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, इन सबको इतने अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं हम ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इससे फायदा हो। और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम और एफिशिएंट एक ही शब्द है। इसका क्या मतलब होता है, हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करें कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो और मिनिमम कॉस्ट पे। एग्जांपल देती हूँ, इंटरनेट रिसोर्स है और टाइम भी रिसोर्स है। अब इंटरनेट तुम्हें बोला यूज करने के लिए, मतलब तुम्हें वैसे इंटरनेट अलाउड नहीं है, तुम्हें अब तुम ऑफिस के अंदर सिर्फ अपनी मेल एक्सेस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें टाइम दिया आधे घंटे का कि तुम्हें लिंक्डइन वगैरह पे ना सर्च करना है, नए हमें इंप्लॉइज चाहिए, उनके लिए तुम लिंक्डइन पे सर्च करो। तुमने आधा घंटा लगाया और उस आधे घंटे में तुमने 50 लोग ढूंढ दिए, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। और तुमने टाइम का भी सही इस्तेमाल किया और तुमने इंटरनेट एज ए रिसोर्स का भी सही इस्तेमाल किया। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजर्स को ये भी सिखाते हैं कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे यूज करना है। तो फिर कैसे ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल होता है ना, करके देखते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, फिर अगली बार ऐसे करके देखेंगे, उस चीज से आपको बचाता है। क्योंकि ट्रायल एंड एरर में क्या होता है ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है और टाइम सब
सबसे बड़ा रिसोर्स है। तुम लोगों को तो खैर ये बात ऑब्वियसली क्लियर होगी कि टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि जब टाइम खत्म हो जाता है तो वो टाइम वापस नहीं आएगा और उसके साथ जो तुम्हारी मेहनत का लेवल था वो भी गया। तो इसीलिए ट्रायल एंड एरर से बचते हो। दूसरा किस चीज से बचते हो? कोई पर्सनल बायसेस अगर है, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस है, मैनेजर को क्या है ना, हर चीज में अपनी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं लानी चाहिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए, ऑफिशियल चीजों को, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम एज ए मैनेजर बजट बना रहे हो, तो तुम दो टीम का बजट बना रहे हो, एक तुम्हारी टीम है एक और टीम है, दोनों का बजट तुम्हारे हाथ में। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो तुम जैसे अपनी टीम का एलोकेट करोगे बजट, वैसे ही तुम दूसरी टीम का भी बजट बनाओगे। अब क्योंकि प्रिंसिपल्स को तुमने फॉलो किया है, तो तुम इसमें अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बायस भेदभाव नहीं लाओगे कि यार मेरे टीम में थोड़ा सा ज्यादा डाल देता हूँ पैसे, इनको थोड़ा सा कम दे देता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। और तुम्हारा क्या होगा, तुमने सही काम किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की, और कोई भी पर्सनल बायस नहीं लाए, और क्योंकि ट्रायल एंड एरर नहीं था तो क्विकली काम खत्म हो गया। तो सेकंड काम ये है, इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। ओके, ऑलराइट। अब साइंटिफिक डिसीजंस देखो, एक डिसीजन है, मैनेजर कहता है आज ना मेरा मन है कि हम ये करें, तुम्हारा मन है तो तुम भी कर लो वरना कोई बात नहीं। तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसे काम होता होगा? ऐसे तो क्लासरूम में भी काम नहीं होता कि आज तुम्हारा मन है ना बच्चों वो कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, तो हो गई बात भी, निकल गई हमारी बारी, हम बैठे हैं आराम से। तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बड़े साइंटिफिक होते हैं, तो जो हम डिसीजंस ले वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए। पहली बात, रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब है प्रैक्टिकल होने चाहिए, सच्चाई से बहुत क्लोज होने चाहिए, ख्याली गुलाब नहीं होना चाहिए। अब तुम कह दो आज की डेट में कि पता है मैं तो बिना पढ़े भी 95% ला सकता हूँ, बिल्कुल ना पढ़ूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, बोर्ड से दो दिन पहले बैठूंगा, 95 आ जाएंगे। देखो भाई, अगर तुम कोई रॉकस्टार बंदे हो जो दो दिन में सारी मेहनत करके 95 ले आओ, तो भाई फिर बात अलग है, बट जनरली ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक है। तो काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी काम करते हुए, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दूसरा, टाइमली, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम इधर उधर होता है ना तो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं, काम बढ़ता चला जाता है, मुसीबत हो जाती है, फिर जो काम होता है वो होता है खराब, अच्छा काम नहीं होता। तो दूसरा ये, और मेजरेबल सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज तुम बनाते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, एक तो वो रियलिस्टिक होता है, दूसरा वो टाइमली किया जाता है, डेडलाइंस होती है, तीसरा मेजरेबल होता है। मेजरेबल मतलब कोई है मैनेजर जो चेक करेगा कि बताओ हमने डिस्कस किया था कि 15 डेज में हम ये 50 कॉल्स क्लोज कर देंगे, कर दी, मेजरेबल, 15 डेज 50 कॉल्स, जैसे तुम्हारे टेस्ट होते हैं, मेजरेबल कि एक चैप्टर क्लोज हुआ, अब इस पर ये टेस्ट हो रहा है, तो हम मेजर कर रहे हैं कि आपको कितना आ गया जितना हमने पढ़ा था। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें अपने डिसीजंस जो रियलिस्टिक हो, जो टाइमली हो, जो मेजरेबल हो, ये लेने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, अगले आओ, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। देखो भाई, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, मतलब सिचुएशन चेंज होती रहती है, और बिजनेस वही जो एनवायरनमेंट से अडेप्ट करे वही चलेगा, वरना हम बैठे हुए बाबा जी का टुल्लू लेकर। ओके, एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है ना, उसमें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई बार मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगी। अब देखो, तुमने सुना होगा कि जो BSNL है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत संचार निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको 3 साल का टाइम दिया है कि भाई अपना बिजनेस चलाओ, टर्न अराउंड करो, टर्न अराउंड मतलब प्रॉफिटेबल बनाओ, नहीं तो 3 साल के बाद हम आपको डिसइन्वेस्ट कर देंगे। डिसइन्वेस्ट मतलब हम आपको सरकारी कंपनी से, वी विल सेल यू ऑफ टू अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, हम बेच देंगे आपके एसेट्स को, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से कंपनी लॉसेस में चल रही है, BSNL। ठीक है, अब बिजनेस वो होता है जो अगर सिचुएशन चेंज हो रही है उससे फटाफट अडेप्ट कर ले। उस अडेप्टिंग में कई बार हमको थोड़ा अपना पार्ट बेचना भी पड़ता है, हटाना भी पड़ता है, वो जरूरी है, और कई बार हम सोचते हैं नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम इसी को चलाने की कोशिश करेंगे, वो भी ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको गाइड कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में, जब जैसे मान लो, अब जब BSNL का मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर BSNL को टर्न अराउंड करना है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो
स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट चाहिए होगा वो चाहिए होगा उनके इम्प्लॉयज का, जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है उनका बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। अब वो जो सपोर्ट हमें चाहिए उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो मतलब जो मैनेजमेंट है, वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके उनको इस सेम पेज पर लेकर आएगी कि देखो भाई हम इस सिचुएशन में है, हमको दिक्कत है, आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे काम करेंगे, ऐसे करेंगे, तब ये टर्न अराउंड होगा। ठीक है, इसके अलावा कई बिजनेसेस क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स हम इस काम में अच्छे हैं, इस काम में हम अच्छे नहीं हैं, तो हम हमारा हमसे मेरा मतलब है बिजनेस, बिजनेस के पास ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करें या हम सब चीजों में पड़े रहें। मैक्सिमम बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है पढ़ाना, प्रिंटिंग करना नोट्स की मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो मैंने अपनी प्रिंटिंग आउटसोर्स कर दी, यानी किसी और को दे दी कि भाई तू कर प्रिंटिंग, मैं नोट्स बना सकती हूँ और मैं पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन मैं प्रिंटिंग नहीं कर सकती, वो टाइम नहीं है मेरे पास और ना मुझे वो अच्छा लगता, तो मैंने वो आउटसोर्स कर दिया, वो मुझे कॉस्ट वाइज भी कम पड़ा। मतलब मैं जो अपना 4 घंटा लगा के एक एक चैप्टर के नोट्स प्रिंट करती थी, उन 4 घंटों में तो उस बंदे ने मेरे चारों बैचेस के नोट्स प्रिंट कर दिए। ये होता है कोर कॉम्पिटेंसी और बाकी काम। तो जब बिजनेसेस को अपने एनवायरमेंट से अडेप्ट करना होता है ना, वो ये डिसीजन भी लेते हैं कि क्या हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी में काम करें या हम किसी को आउटसोर्स कर दें। इसीलिए 2 इंडस्ट्रीज बनी है, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तुमने सुना होगा, तुम कई बच्चे कहते हैं मैम कॉल सेंटर, कॉल सेंटर क्या होता है, बीपीओ, यानी किसी बड़ी कंपनी ने अपना एक छोटा पार्ट काम का ऑपरेशंस का किसी और को दे दिया, और किसी और से हमारा मतलब है वो जनरली इंडिया में आता है, हम लोग इंडिया में वो काम करते हैं। कई अमेरिकन और इंग्लिश यूके बेस्ड कंपनीज हैं जिनका बैकएंड है, मतलब ऐसा कुछ काम जो वो खुद नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है वो महंगा पड़ता है उनको या कोई भी दिक्कत उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो इंडिया, फिलीपींस, चाइना इस तरफ भेज देते हैं। इसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसी तरीके से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, मैंने बनाई नोट्स लेकिन मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा और मुझे ये देखने का टाइम नहीं मिल रहा कि ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है, तो मैंने किसी को वो काम दे दिया और कहा भाई तू कर दे, तू इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख ले, इसकी कंटेंट अलाइनमेंट सब देख ले। ये क्या है, ये मेरी नॉलेज जो है उसकी जो प्रोसेस है उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया, मतलब किसी और को दे दिया, दिस इज केपीओ। इस वजह से जो बिजनेस एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट से डील करते हैं, तब चक्कर में बीपीओ और केपीओ जैसी इंडस्ट्रीज निकल कर आई हैं और इसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी बहुत सारे बच्चों को चैरिटी समझ में आती है, बट समय के साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत बदल गया है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी है तुम अपने कस्टमर को वैल्यू दो, अपने कस्टमर की नीड्स पे ध्यान दो, वो चीज बनाओ जो उसको बहुत चाहिए। उसके बाद तुम एनवायरमेंट का ध्यान रखो, कुछ ऐसा ना बनाओ जिससे इकोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट हो। सोशली अवेयर एम्प्लॉयज होने चाहिए जो आगे तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बोले, इसलिए अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखो। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, तुम लोगों ने सुना ही होगा। लिज्जत पापड़ 40,000 औरतों का एक कोऑपरेटिव है जहां ये औरतें आती हैं और मिल बांट के ये पापड़ बनाती हैं बहुत प्यार से, और इनके इनको ऐसे कहा जाता है कि कोई भी औरत जिसमें डिवोशन हो, जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हो और जो इसको अपनी फैमिली जैसा समझे, वो यहाँ पे आके काम कर सकती है। और ये उन लोगों के लिए कोई काम की जगह नहीं है, इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, भी फैमिली है जहां आके हम काम भी करेंगे, सुख दुख भी बांटेंगे और पैसे भी कमाएंगे। और लिज्जत पापड़ एक कॉटेज इंडस्ट्री होने के बावजूद इतना ज्यादा चलता है, 10 करोड़ से ज्यादा तो इनका एक्सपोर्ट होता है बाहर। तो अगर तुम देखो ये जो कंपनी है ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बड़े स्ट्रांगली होल्ड करती है और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाती है, कम दामों पे बनाती है, अपने इंप्लॉयज का ध्यान रखती है, इकोलॉजिकल कोई डिजास्टर क्रिएट नहीं करती, बल्कि हमारे देश के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारी औरतों के लिए इतनी इंप्लॉयमेंट ये लोग जनरेट करते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे फुलफिल करें, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प करते हैं। ओके, अब आगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज होते हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च कहाँ लगता है, तुम नौकरी करने जाओगे, तुम्हारा इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू से पहले हो सकता है तुमसे एप्टीट्यूड टेस्ट भरवाया जाए, बैंकिंग के पेपर, लॉ का पेपर, एमबीए का पेपर, बीबीए के एंट्रेंसेस, हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या चेक करना चाह रहे हैं एप्टीट्यूड में? चलो कई बच्चे कहते हैं मैम ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, चलो एक साइड कर दो। कुछ बिहेवियरल टेस्ट भी होते हैं कि तुम टीम में काम कर सकते हो कि नहीं, कि तुम भरोसा करते हो लोगों पे कि नहीं, या तुम गुस्सा जल्दी करते हो कि नहीं, एंगर मैनेजमेंट इशू तो नहीं है, स्ट्रेस में कैसे काम करते हो। अब ऐसे सवालों के जवाब तुमसे कोई क्यों पूछ रहा है, सोचो। क्योंकि जॉब इज नॉट ओनली अबाउट एक काम करना, जॉब करनी है टीम के अंदर बैठ के, टीम जिसमें कई लोग हैं, कई तरीके की सिचुएशंस आएंगी, तो क्या तुम उन सिचुएशंस को, काम में तो तुम अच्छे हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी के लिए हायर किया है, तुम टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया हो, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम भैया स्ट्रेस में काम ही नहीं कर सकते, हो गया काम, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ये नौकरी ऐसी है जिसमें काफी स्ट्रेस रहता है, बहुत डेडलाइंस है, तो तुमको ये नौकरी नहीं मिलने वाली, चाहे तुम्हारे एकेडमिकली 90-95% हो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो उस जॉब के लिए फिट नहीं है। तो अब ये बात मैनेजर को कैसे पता चले कि बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है नौकरी के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च हुई है इनपे, ये ट्रेनिंग में काम आते हैं, तो हम इनको यूज करके जॉब मिलती है लोगों को। समझ में आता है मैनेजर को कि मुझे ये भी देखने की जरूरत है, ट्रेनिंग करनी है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशन में अच्छे नहीं होते। अब इंटरपर्सनल रिलेशन मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक जूनियर था और एक सीनियर था। सीनियर जूनियर से उम्मीद करता था कि वो पंक्चुअली ऑफिस आए और काम करे, और जो जूनियर था वो नई जनरेशन का था, तो उसको लगता था काम से मतलब होना चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के आइडियाज मैच नहीं करते थे। एज ए रिजल्ट इनमें क्लैश रहता था, और क्लैश के चक्कर में काम तो बिल्कुल ही नहीं होता था। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे काम आया, सब दोनों को समझाया गया कि थोड़ा सा मिडल में तुम चलो, थोड़ा सा तुम चलो भाई, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप दे दो, और थोड़ा सा तुम उनकी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना शुरू करो, और दोनों में जो कॉमन सिमिलैरिटीज हैं उन पे डिस्कशन करो, ताकि काम अपने टाइम से हो सके। एक लिटरली एक डेडलाइन हमने सेट करी कि आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, और उसके बाद काम होना शुरू हुआ। अब हमें क्या ये सपना आया कि इन दोनों को कैसे सेटल करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने हमें ये सिचुएशन हैंडल करने का तरीका समझाया। ओके, आगे क्या, तो इन नटशेल अगर हम देखें, एक मैनेजर को कई सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, और उन सिचुएशंस में बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कोरोना आ गया, अब क्या करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे हमें इकोलॉजिकल कोई डिजास्टर नहीं करना, क्या करें, नया बंदा रिक्रूट करना है, इसको पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छा आता है, बाकी इसका बिहेवियर ठीक है कि नहीं, हम रिसोर्सेज ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज करें, हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इन सब में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। अगला वीडियो हम शुरू करने वाले हैं F.W. टेलर के साइंटिफिक डिसीजंस, ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सॉरी। और इफ यू आर सीइंग मी ऑन YouTube, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।